रजब काक, जब ये जंगली जानवर अटैक करते हैं ना जानवरों को, कैसे पकाते हैं आप उनको? वो इस तरह है, वो, वो, वो। तो शाम के बज चुके 5 और हम सब लोग अपने मवेशियों का वेट कर रहे हैं, जो कि सुबह हमने चौपान को दिए थे। और व्यू भी देखे क्या ज़बरदस्त है, हमारे सब अजीज़ यहाँ पर बैठे हैं और मैं भी इन्हीं के साथ इस खूबसूरत से व्यू पॉइंट पे। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। ये हमारे गांव के चौपान रजब साहब हैं। तो आज हम आपको गांव के चौपान की ज़िंदगी दिखाएंगे कि हमारे मवेशियों को दिन भर कैसे रखते हैं और कैसे गांव के लोग अपने मवेशियों के इनके सुपरद करते हैं, और इनकी कहानी सुनेंगे हम आज रजब काकी की, ये कितने सालों से ये काम कर रहे हैं। देखिए, बहुत चंद जगहें अब ऐसी रही हैं कि जहां अभी भी ये ट्रेडिशनल वे से दिन में मवेशियों को चौपानों के हाथ सौंपा जाता है। तो आज के इस वीडियो में इसी चौपान की ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे। तो अभी हम वादी मड़वा की एक खूबसूरत सी वादी में, आप देख भी सकते हैं रजब काक अपने मवेशियों को कंट्रोल कर रहे हैं। तो हमें काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि बड़ा नॉलेज भी मिलता है इन चीज़ों से। तो अभी हम एक जगह पर बैठे हैं जहाँ पर ये पूरे इन मवेशियों को असेंबल करते हैं और यहाँ से फिर ये अपने साथ इनको जंगलों की तरफ, ग्रेजिंग फील्ड की तरफ लेते चलते। तो गाइज, इफ यू आर एक्साइटेड देन गाइज लेट मी टेक यू दिस अमेजिंग जर्नी विद दिस ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग। Let's get this beautiful day started. Assalamu alaikum. Waalaikum salam. MashaAllah. तो रजब साहब कितने सालों से काम आप कर रहे हैं? 20 साल. 20 साल. तो आपके वालिद साहब भी यही करते थे? वो भी काम यही करता है। तो कितने बजे सुबह आप यहाँ पर आते हैं? 8 बजे. 7 बजे या 8 बजे? 7 बजे. तो वापसी कितने बजे? 5 बजे. तो खाना वाना उधरी पर बनाते हैं कि घर से लेके जाते हैं आप? घर से लेके जाते। तो इसके बदले आपको क्या उजरत मिलती है, मतलब गांव वाले क्या देते हैं आपको इसके बदले? मक्की देता 8 किलो. 8 किलो एक मवेशी का? 8 किलो. 8 किलो का पूरे साल का? पूरे साल। तो वो आपको घर लेके देते हैं कि आप ही उनके घर जाते हैं लाने? हमको आप ही इसका घर में जाता है। अच्छा, आप ही जाते हैं जमींदारों के घर में। तो आप देखिए, सुबह के बज चुके हैं 7 और एक माशाल्लाह दिलकश वादी में दरियाए मारू सुदूर यहाँ से बहता हुआ, और मेरे कुछ बचपन के दोस्त भी मिले, फयाज साहब भी। देखो क्या मस्त सिटी बजाता है ये। तो हमारा मॉर्निंग में हमेशा ऐसा रहता है जब हम गांव में आते हैं कि हमें अपने जो चौपान होते हैं जी फयाज भाई, तो उनके पास लेके चलते हैं। तो एक बहुत ही खूबसूरत और दिलकश वादी से हम गुज़र रहे हैं, तो वहाँ पर जहाँ हमें जाना है, जहाँ चौपान मॉर्निंग में इनको असेंबल करता है ना सबको, एक झुंड होता है पूरा हैवानों का, जानवरों का, डंगरों का। तो वहाँ से फिर इनको वो ग्रेजिंग फील्ड्स की तरह लेके चलते हैं। तो अभी आप देखेंगे रास्ते में बहुत सारे हमें नो अपने गायों के साथ बंदे और जो भी उनके पास पालतू जानवर है, तो सब को लेके चल के चौपानों के पास चलेंगे। तो फयाज बड़ा एक्सपर्ट हो चुका है विसल में, स्कूल में तो इसको विसल आती नहीं थी, कब सीखा भाई? ग्रेजिंग फील्ड है ना जहाँ आप इनको खिलाते हैं, तो क्या मुश्किलात क्या आती है आपको इनके साथ? जंगल ही जंगल। मुश्किलात कुछ आती है? किस किस्म की मुश्किल है थोड़ा बोलो। शेर भी होता है, भालू भी होता है। जंगली जानवर अटैक करते हैं आपको? हाँ। किया है कभी? भालू भी? हाँ। तो जब भालू आता है ना, किस तरीके से आप उसको भगाते हैं? थोड़ा दिखाइए, बताइए। जैसे गाँव में आप डिसाइड करते हैं ना कि आज हमें सीजन ये चौपान ये रखना है, तो किस तरीके से ये डिसाइड किया जाता है? एक कमेटी बैठती है गाँव में, तो उसके बाद इनको डिप्यूट किया जाता है। ओके, तो ये हैं अब्दुल रजब साहब की कहानी। तो खुदा ना खास्ता अगर कोई ये ना मवेशी, जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारी गायें हैं, बैल हैं, मर गया या किसी जंगली जानवर ने खाया, तो फिर वो आपके जिम्मे होता है कि नहीं, उसका क्या करते हैं आप? हमारा जिम्मेवार है, अगर उसको नमो मिलेगा ठीक है, तो फिर ने हम डांट शांट कुछ नहीं दिया ठीक, नमो नहीं मिलेगा ठीक है, फिर आपको डांट देना है। तो यहाँ पे जगह है अभी, हाँ कुछ ही लोगों के जो गाय हैं या दूसरे किस्म के
हाइवान हैं, आए हैं अभी हम शेफर्ड का वेट करेंगे, उसका अपना टाइम है भाई। फ्रॉम हियर एक असेंबल होके यहाँ से चलते हैं। मज़ा भी आता है आपको ये काम करने में कि नहीं? ये ना मज़ा भी आया और मजबूरी भी है, यह तो घास है जी, जब तक नहीं तो तब तक तो सख्ती है। अच्छा अच्छा ठीक। तो ये जैसे आपके साथ कुत्ते नहीं होते हैं कि नहीं? कुत्ते नहीं रखते हो आप? ना कुत्ता नहीं। तो जो वो चौपान होता है जो पहाड़ों में जाता है वो अलग होता है? वो अलग है। आप कभी गए हैं उस तरीके का काम? आपकी नहीं, आप नहीं वो करते हैं? ओके ओके। तो कितने इस जैसे हमारे गांव का नाम योरदू है, ठीक है, कितने मवेशी आपके पास होंगे योरदू के? कितने गायें बैल आपके पास होंगे, कितने लगभग? 150। 150। ओके। तो ये हर साल चौपान बदलता है कि नहीं? आप कितने सालों से इस गांव में ये काम कर रहे हैं? 20 साल हो गए इसी गांव में। इस गांव के बगैर भी किसी जगह काम किया है पहले ही? किधर पे? पेड़गाम भी, सदरवगन भी, असंगाम से भी। तो आपके साथ कोई हमारा वो बाप भी ऐसा ही काम करते हैं। तो ये देखिए दरिया के उस साइड भी चौपान दूसरे गांव का अपने मवेशियों को अपने साथ दिन भर के लिए लेके जा रहे हैं। हमारा ट्रेडिशनल रूटीन होता है। बहुत दूर है हमारी जगह से जहाँ से हम हैं, ये एक अलग गांव है, बहुत खूबसूरत घाटी में है। और हमारे वाले जो शेफर्ड्स के मवेशी हैं वो यहाँ पर है, उनको ये भी असेंबल कर रहा है, ये भी निकल रहे हैं क्योंकि सूरज अच्छा सनराइज हो चुका है। इट्स अ प्रॉपर सनराइज। तो ये अभी यहाँ पर इनको असेंबल करके ग्रेजिंग फील्ड की तरह लेके जाएंगे। आपके साथ और भी कोई है क्या? आपका भाई या कोई और? जो भाई था वो नहीं अभी आया? आया, इधर है, देख इधर। अच्छा, ये आपका भाई है वहाँ पे? ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया। तो शाम को फिर आप जब इनको वापस लाते हैं ना, तो जमींदार को कैसे पता चलता है कि ये वापस आए? वो वेट करते हैं आपका? ना वो बैठता ना उधर सब ग्राम वालों। ठीक, तो फिर वहाँ से वो अपनी अपना अपना गाय लेता अपना अपना घर में। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। ये फाइनल सीन्स हैं आज हमारे इन विलेज चौपानों के साथ, और जो भी मवेशी इन्होंने असेंबल किए थे अब इनको ये ग्रेजिंग फील्ड की तरह लेके जा रहे हैं। ये देखिए इनके भाई इनको कंपनी देके आगे आगे लेके जा रहे हैं, और रजब साहब जिनके साथ आपने उनकी बातचीत भी सुनी उनकी ज़िंदगी के बारे में। तो ये देखिए पूरे गाँव के जो भी मवेशी हैं हमारे गाँव के, तो दिन के लिए इनको ये ग्रेजिंग फील्ड की तरह लेके जाएंगे, और 4 बजे के बाद दे विल बी बैक टू होम। वालेकुम सलाम। ओके राजा मेरे भाई, थैंक यू। तो चले आप? हाँ। शाम को वापसी आएंगे? हाँ शाम को आएगा, 5 बजे वापस। तो ले ले चले आप अपने डंगर? हाँ। अच्छा लगा आपसे मिल के। उधर जंगल में। हाँ। तो शाम को वापस। खाना खाना उधर भी बनाओगे? हाँ। चलो खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। सो दैट वाज टुडेज वीडियो कि हम जो शेफर्ड्स हमारे गाँव में होते हैं चौपान, जो ग्रेजिंग फील्ड के इनको लेके चलते हैं। आपने देखा गाँव के लोग कैसे आते हैं, और मेरा जो अगर इसको मैं सम अप करूँ, बहुत सारे लोग आते हैं, एक साथ मुलाकात भी करते हैं, गपशप इनकी लगती है। तो शेफर्ड्स सुबह 8 से 5 तक इनके जो भी मवेशी होते हैं इनको लेके चलते हैं। चलें ये भी देख सकते हैं हमारे साथ कुछ भाई यहाँ पे हैं। तो नाउ इवन वी आर हेडिंग बैक टू होम। बहुत एक अच्छा तजुर्बा था, काफ़ी अरसे के बाद मैं भी आज अपने जो हमारे गाँव का चौपान है अपनी गाय लेके आया था। तो वो चाइल्डहुड की मेमोरीज रिवाइव हुई, इवन दो आई मेट माई चाइल्डहुड फ्रेंड फयाज यार, हमारे साथ ही आए थे, एक साथ वापस जा रहे हैं। तो दैट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस ऑफ विलेज शेफर्ड्स, जो कि बहुत मुख्तलिफ होते हैं उन शेफर्ड्स से जो पहाड़ों पे होते हैं, क्योंकि वो कुछ महीनों के लिए वहाँ पर जाते हैं, उनका सेटअप अलग होता है। ये सिर्फ दिन के लिए होते हैं जो गाँव के मवेशियों को ग्रेजिंग फील्ड की तरह लेके चलते हैं। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो गाइज, कीप सपोर्टिंग, कीप पोरिंग द लव, डू शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अंटिल नेक्स्ट टाइम विद अ डिफरेंट प्लेस एंड विद अ डिफरेंट वीडियो, एज वी से इन कश्मीर। यू खुदा हाफिज़।